महिमाऊ में मुख्तार अंसारी के दबंग अधिवक्ता का वीडियो सामने आया है। अधिवक्ता दारोगा सिंह वीडियो में जजों को अपशब्द बोलता दिख रहा है। दरअसल दो दिन पहले किन्नूपुर में संजय निषाद जिले के अधिकारियों के साथ रात्रि प्रवास पर गए थे। वहां पर मंत्री ने बिजली और रास्ते की बदहाल व्यवस्था को देखकर अधिकारियों से नाराजगी जताई थी। वहीं ग्रामीणों ने रास्ते में दबंगों के कब्जा करने की भी शिकायत की थी, जिसके बाद राजस्व विभाग की पूरी टीम गाँव की पैमाइश और रास्ते के लिए पहुंची और सड़क पर वकील दारोगा सिंह ने कब्जा कर रखा है। वहीं जब राजस्व टीम जमीन की नाप कर अलग अलग करने लगी तो दारोगा सिंह ने राजस्व कर्मियों को धमकी दी। अब जाएंगे वकील के यहाँ, झूठ बोलने की बात कर दिए। अब तो विरोधी वही ना कहेगा आपको कि झूठ बोल रहे हैं, गलत बात ना बोलिए। मुझे सुनिए, मुझे 4-6 बार कंटेम्प्ट जा चुका है। हमारी बात है, गलत बोल रहे हैं। और लखनऊ से बड़ी खबर का रुख करेंगे। कोरोना के 21 नए केस आने से हड़कंप, तो 10 महिला समेत 21 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 24 घंटे में 8 मरीज के बाद इलाज के बाद ठीक हुए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको कोरोना पर दे रहे हैं लखनऊ से, ये बड़ी और अहम जानकारी। कोरोना के 21 नए केस आने से हड़कंप मचा है। 10 महिला समेत 21 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, हालांकि कुछ लोग ठीक भी हुए हैं। मुरादाबाद से बड़ी खबर, जिले में 5 नए कोरोना मरीज मिले। संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 8। सीएमओ एमसी गर्ग ने दी जानकारी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, तो लगातार जो कोरोना का ग्राफ है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुरादाबाद में 5 नए मरीज मिलने के बाद जो मरीजों की संख्या है वो 8 हो चुकी है। तो आज से शुरू हो रही है चार धाम यात्रा। तो चार धाम यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। तो चार धाम यात्रा की शुरुआत हो गई और देवभूमि बाहें फैलाकर श्रद्धालुओं के स्वागत को लेकर तैयार है। तो पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद और चार धाम यात्रा से शुरू होने से पहले ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी था और आज श्रद्धालु अपने वहां के दर्शन यहां पर कर सकेंगे। तो सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइंस है जो आपको जानना जरूरी है इस रिपोर्ट के जरिए। देवभूमि की चार धाम यात्रा 3 मई को शुरू होने जा रही है। 3 मई को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुल जाएंगे। शीतकालीन प्रवास से माँ गंगा की डोली गंगोत्री के लिए रवाना हो चुकी है। 3 मई को सुबह ठीक 11:15 पर गंगोत्री धाम के कपाट देश दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। साथ ही 3 मई को दोपहर 12:15 पर माँ यमुना के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं ने रिकॉर्ड पंजीकरण किया है। बड़े पैमाने पर श्रद्धालु चार धाम के लिए बढ़ रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम एक रजिस्ट्रेशन के ऑफिस के बाहर हैं। निशुल्क पंजीकरण केंद्र है ये, और यहाँ पर पंजीकरण कराने के लिए काफ़ी लोग पहुँचे हैं। देश भर से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह की भीड़ यहाँ पर है। बुजुर्ग लोग यहाँ पहुँचे हैं। बहुत उत्सव है हमको जाने का, बहुत मनोकामना थी हमारी कब से, लेकिन ये कोरोना आ गया तो हम 2 साल से घर में ही रहे। चार धाम यात्रा को लेकर प्रशासन मुस्तैद है, सरकार अलर्ट है, ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सीएम धामी ने भी आला अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए हैं। सभी व्यवस्थाएं जैसे पहले होती थी वैसी हुई हैं। उसमें हम लोगों ने कुछ जो वृष्टि है या हमारी आपदा है वो आती है, तो उस समय में हम उसी समय तत्कालिक रूप से भी निर्णय लेंगे।